जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से आज के नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 17 मार्च 2024 को पूरे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। सो उसकी आंसर की के साथ मैं आपसे यहां पे जुड़ चुका हूं। एक बार शेयर आप जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को, कितने क्वेश्चन आपके राइट आंसर रहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आपसे हाई कोर्ट के एग्जाम पूछे जाते हैं। इससे पहले भी 2019 से उससे पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें भी मोस्टली इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बायलैंगुअल आपका ही पेपर नहीं रहता है, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को रहती है। तो आंसर की के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं और साथ साथ में अपने आंसर जो है वो आप चेक करते जाइएगा। इन विच सिटी, फर्स्ट क्वेश्चन था, इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 की बात की गई थी। तो ये होता है काठमांडू में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, द कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जिसको कहते हैं, तो ये इसको ज्वाइन किया गया था माल्टा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में, तो दुबई जो है वो ऐसी पहली कंट्री जो है ये बनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच कंट्री इज सेट टू लॉन्च द फर्स्ट लग्जरी ट्रेन। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, इसका राइट आंसर रहेगा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की बात की गई थी, तो कितने नेशंस की बात की गई है, तो 31 नेशन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ड, ये क्या चीज है, रेलवे स्टेशन है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, ये चीज आपसे पूछी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। और देखिए लेवल जो है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ाया गया है हाईकोर्ट के क्लरिकल एग्जाम का, वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी, किस चीज के बारे में ये बताता है, तो इंसेक्ट के बारे में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 182 मेंबर ऑफ द UN इस कॉन्टिनेंट, ये बात की गई थी यहाँ पे, इसका राइट आंसर रहेगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिटलर पार्टी की बात की गई थी, केम इनटू द पावर 1933 इज नोन एज, किस नाम से इसको जानते थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा नाजी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग विच कंट्री, तो विजय सिंह जो है गोल्फ के प्लेयर है, अब ये फिजी से भी बिलोंग करते हैं, इंडिया के भी प्लेयर है, लेकिन बात उन्हीं की जाती है जो फेमस है, जैसे सचिन तेंदुलकर जरूरी नहीं कि एक ही नाम हो लेकिन फेमस जो प्लेयर है वो इंडिया के हैं, तो उसी तरीके से गोल्फ प्लेयर जो काफी फेमस है वो फिजी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द टेरिटरी ऑफ द पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ, देखिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफी पजल यहाँ पे क्वेश्चन की एक फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि उनको प्रॉपर ढंग से जब अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर आंसर में कहीं ना कहीं पर दिक्कत रहती है, तो क्लैरिकल एग्जाम के लिए मोस्टली होना चाहिए कि बायलैंगुअल पेपर तो आपको कंडक्ट करवाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा झेलम एंड चिनाब, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो मेरे को भी ये दिक्कत यहाँ पे देखने को मिली थी, और बाकी कमेंट भी बच्चों ने किए थे कि बायलैंगुअल अगर पेपर होता तो और ज्यादा क्वेश्चन हमारे ठीक हो सकते थे रीजनिंग मैथ में, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हो सकता है मैथ इंग्लिश मीडियम में करते हैं जिनके हिंदी मीडियम में पढ़ते हूं, तो उनके लिए फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने प्रोपाउंडेड किया था, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द ट्रेजरी ऑफ श्री रंगनापटना वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, किसके बीच एक समझौता जो है वो साइन किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 13 का, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, टू विच प्रोफेशंस अर्ली लीडर, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग, किससे बिलोंग करते थे, लॉयर से बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, यहाँ पे इस 15 का जो राइट आंसर रहेगा, आइसलैंड वॉज चेंज टू लक्षद्वीप एक्ट ऑफ पार्लियमेंट, किस वर्ष में चेंज किया गया था, 1973, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पावर टू डिसाइड द इलेक्शन पिटीशन इन द वेस्ट, तो किसके पास पावर होती है, तो यहाँ पे इलेक्शन पिटीशन जो है वो यहाँ पे हाईकोर्ट के पावर, हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पेंसिल, तो पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट की बनाई जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है, विच मेटल फॉर्म्स एन एमलगम ऑफ अदर मेटल, तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मर्करी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द बॉल पेन, तो देखिए काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बॉल पेन जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो यहां पे इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बीरो ब्रदर्स रहेगा, ऑप्शन। फादर ऑफ ज्योमेट्री मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो यूक्लिड को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। द कॉमनली बिटवीन, व्हाट इज द कॉमनली बिटवीन कुटी शंकर लक्ष्मण एंड सुधीर धार, तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि ये एक कार्टून की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ड्रॉइंग कार्टून इनको कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ ऑन मैप एंड ग्लोब्स आर, क्या कहा जाता है उनको? काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, उनको ग्राफिकल ग्रिड्स कहा जाता है। जो मैप और ग्लोब के बीच आपने देखा होगा, ग्लोब के बीच इस तरीके से लाइनें जो है वो खींची जाती हैं, तो उनको जो है वो जियोग्राफिकल ग्रिड कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेड इंपोर्ट रॉ मटेरियल, कहां से इसको जो है वो मंगवाया जाता है? 23 का राइट आंसर रहेगा जापान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये मैंने जनवरी मंथ की करंट अफेयर की क्लास में भी इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था। द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री राजीव गांधी वाज ऑब्जर्व एज, तो किस डे से उनकी डेथ एनिवर्सरी को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एंटी टेररिज्म डे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द सेंटेरी ऑफ महात्मा गांधी अराइव इन साउथ अफ्रीका वाज, कब इसको सेलिब्रेट किया गया था? इसका राइट आंसर है मई 1993। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द ईयर 1991 वाज ऑब्जर्व इन इंडिया एज, किस एक थीम के साथ जो है वो इंडिया में 1991 को जो है वो मनाया जाता है? 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टूरिज्म, टूरिज्म के लिए इसको मनाते हैं। द फेमस दिलवाड़ा टेंपल, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा राजस्थान, ये इसका सही आंसर रहेगा। दिलवाड़ा में राजस्थान, दिलवाड़ा जो है वो मंदिर राजस्थान में आता है। नेक्स्ट बात, ये इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ज्योग्राफी लोकेटेड है, कहां पे है ये? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहां पर लोकेटेड है? क्वेश्चन 29 का राइट आंसर रहेगा औरंगाबाद में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रेशो ऑफ नेशनल फ्लैग जो है वो 2:3 रहती है, पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका इन्वेंट किया गया था। इसी क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा फैक्ट जो है वो करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आउटर सिराज एरिया जो है वो कुल्लू कहते हैं और ट्रांसगिरी एरिया को सिरमौर कहते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए बोथ आर करेक्ट, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लाहुल इज अ डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतन वर्ड, क्या कहा जाता है उसको तिब्बतन वर्ड में? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए एंड बी दोनों रहेंगे, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट इज टच बाय धौलाधार माउंटेन रेंज, कुल्लू मंडी कांगड़ा, तो तीनों को ही टच करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन, कौन सा एरिया फुली शिवालिक जोन में जो है वो आता है? तो शिवालिक में आता है ऊना, ये पहली रेंज है हमारी, उसके बाद धौलाधार आता है, एंड नेक्स्ट है पीर पंजाल। नेक्स्ट, विच प्लेस इज नोन एज लिटिल ग्रेस इन हिमाचल, किसे जाना जाता है? तो कुल्लू को जानते हैं, मलाना को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहां पे रहेगा। अगला प्रश्न 36 है, लुनार की बात की गई है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 36 का बी कुल्लू इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रोहतांग पास से रिलेटेड पूछा गया था, तो 37 का भी राइट आंसर कुल्लू रहेगा, क्योंकि ये कुल्लू में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न था लोकेशन एटीट्यूड के बारे में, करेक्ट चीज आपको बतानी थी, तो जहां तक मेरे को यहाँ पे डिटेल मिली है तो ऑलमोस्ट ये सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं ऑप्शन डी को ही टिक यहाँ पे करूंगा, बाकी ऑफिशियल आंसर की के ऊपर हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु फ्रॉम हिमाचल द ट्रैवल वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिन्होंने जो है वो दर्रा जो है वो पास किया था, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड एज हिल स्टेट, हिल स्टेट कब इसको बताया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 66, जिस दिन ये विशाल हिमाचल बना था 1966 में। नेक्स्ट, द लेक कंसर्न कनेक्टेड द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम, तो किसे जाना जाता है? 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेणुका, जो कि सिरमौर में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द अदर फेमस वैली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी में कौन कौन सी वैली है? चुराह वैली है, चौंतरा है, बलहा वैली है, तो ये सारी वैली जो है वो मंडी में ही है, तो फेमस है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। हबन वैली कहाँ पे है? हबन वैली जो है वो राजगढ़ सिरमौर में पड़ती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। काफी बार आपको एग्जाम में विजय सर की जो क्लास रहती है उसमें आपके काफी बार करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, माउंटेन रेंज ग्लेशियर की बात की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट था रिपब्लिक फोर्ट कोरवास इन महाभारत बार, तो इसका जो राइट आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, त्रिगत। नेक्स्ट है राजा सुशर्मन चंद्र से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रदर इन लॉ की बात की गई थी, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दुर्योधन, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने कौरवों का साथ दिया था, ये क्वेश्चन आपने काफी बार पढ़ा है, बुशहर स्टेट रामपुर वाज एस्टैब्लिश बाय, किसके द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था? तो 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कृष्णा के द्वारा। देखिए अच्छे डीप लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर कौन लेके गया था? 49 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजा राम सिंह, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरमौर वॉज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन, कब इसको किया गया था शिफ्ट? ऑप्शन नंबर बी 1398-99, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, अमर सिंह थापा से रिलेटेड क्वेश्चन था, और कैप्चर कांगड़ा फोर्ट 1805-09, बट अंडर द टेरिटरी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सरेंडर इट, तो किसके पास इसको किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, आफ्टर गेटिंग डिफीटिंग द हैंड ऑफ महाराजा संसार चंद, वेयर डिड द गोरखा कमांडर अमरजीत सिंह थापा, इसकी बात की गई थी। 52 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, धामी प्रजामंडल जो है वो किसके द्वारा लीड किया गया था? तो सीताराम, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। धामी प्रजा मंडल मूवमेंट की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला प्रश्न है, भादोन नपाई दो,
ये एक नारा जो है वो लगाया गया था, तो कब इसको लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर 54 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 39 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग शिमला पैक्ट वाज साइन, कब इसको साइन किया गया था, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बार्नस कोड के द्वारा ऑप्शन। ये भी हमने काफी बार जीके में पढ़ा है, लार्जेस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल एंड सेकंड इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे हिमाचल की सबसे लार्जेस्ट और इंडिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट की, तो 56 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी मंडी, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला वाज इलेक्ट्रिक लाइट वाज, तो इसका राइट आंसर रहेगा 57 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 58, महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल नथुराम गोडसे, तो शिमला में जब इनके द्वारा किया गया था तो इनको रखा गया था कौन सी जेल में, तो 58 का जो राइट आंसर रहेगा वो वैसे डकशाई जेल है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आई थिंक इसको ऑफिशियल आंसर की के ऊपर ही एक बार चेक करना पड़ेगा, या हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो, वैसे डकशाई जेल जो है उसका राइट आंसर रहना था। 59 का था प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वाज नोन एज, किस नाम से इसे जाना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग को, तो 59 का जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हाउस इसे हम कहते हैं। 60 जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये प्रॉपर इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल पाया है, इसका ज्यादातर आंसर उन्हीं को पता होगा जो शिमला में रहते हैं, जो लोकल वहां के लोग हैं उनको इस चीज का पता होगा कि लोकेशन कहाँ पे पड़ती है, इंटरनेट या फिर बुक्स में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो आंसर है वो नहीं मिल पाया है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का। अगला प्रश्न है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अभी सिर्फ इसकी आंसर की को ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट इसका जल्दी ही सॉल्यूशन का पार्ट भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी 1/8 ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी LLA ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको ओडवन आउट फाइंड आउट करना था, इंच फिर आउंस सेंटीमीटर या आर्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट विच वर्ड बिलोंग द डेजर्ट, डेजर्ट से किस चीज को बिलोंग किया जाता है रिलेट करता है, तो ऑप्शन 64 का बी रहेगा। नेक्स्ट 65 का राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके पास रहेगा। अभी जस्ट मैं आपको आंसर की शेयर कर रहा हूं और जल्दी इसका सॉल्यूशन पार्ट भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। 68 का भी ऑप्शन नंबर डी आपके पास रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास यहां पे 69 का ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपके पास सही रहेगा, IQW ऑप्शन बी। नेक्स्ट 70 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी आपके पास रहेगा, D4 ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 72 क्वेश्चन, तो 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके पास डी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 73 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 74 का क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 13245 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी फादर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो है 76 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 77 का ऑप्शन नंबर डी 96542 ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी 9/5 इसका राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1400 ये आपका हिट एंड ट्रायल से आपका इजीली क्वेश्चन जो है वो बन रहा था, यानी कि अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे निकल के आ रहा था। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि हाई कोर्ट का जो आपका एग्जाम है उसको अगर बायलिंगुअल करवाया जाता तो काफी अच्छी बात थी। देखिए अगर 78 क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो एग्जामिनर ने जिस तरीके से क्वेश्चन ये टाइप किए हैं वहां पर भी ये गलती देखने को मिल रही है, तो अगर इतना ज्यादा टाइम अगर पेपर के लिए होता तो एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर ढंग से पेपर जो है वो कंडक्ट करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1190 रुपीज। 81 का अभी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि क्लरिकल एग्जाम है, विच अमंग फॉलोइंग एसोसिएटेड विद मॉनिटर, मॉनिटर के साथ रिलेट करता है सीआरटी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर, इसका राइट आंसर ये रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप हायर स्टडी अगर इसके बारे में करेंगे तो प्रिंटर इनपुट और आउटपुट बोथ में काउंट किया जाता है, क्योंकि आजकल के जो प्रिंटर है वो विद स्कैनर आते हैं। उस पहले टाइम में क्या होता था कि स्कैनर आपको अलग लेना पड़ता था, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर अलग लेना पड़ता था, लेकिन आज के जो प्रिंटर आ रहे हैं उसमें फोटोस्टेट की मशीन पहले से ही होती है, इनबिल्ड होती है, तो वो अगर हायर लेवल का एग्जाम है तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है बोथ का काम करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि स्कैनर इसमें अलग दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 स्विच नेटवर्क इज यूज्ड टू, किसके लिए किया जाता है, तो नेटवर्क कनेक्ट सिस्टम टू ऑन नेटवर्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ओडवन आउट आपको ढूंढना है यहाँ पे, स्पाइवेयर मालवेयर वायरस एंड हब, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्योंकि बाकी सारे एक वायरस के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसमें आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, 86 का ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर रहेगा। एल्गोरिदम क्या होता है ये आपसे पूछा था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कैलकुलेशन, एक प्रोग्राम एक्शन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा।
एमपीजी एक्सटेंशन की बात आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, इसका राइट आंसर यहाँ पे आपके पास रहेगा 88 का ऑप्शन नंबर सी, वीडियो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मस्ट हैव, क्या होना चाहिए कंप्यूटर में, 89 का ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर है। अगला है डीएनएस इज एब्रीवेशन ऑफ, किसके लिए काम किया जाता है, 90 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डोमेन नेम सर्विस। अगला प्रश्न है व्हाट इज मदरबोर्ड, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 92 नोट ब्राउजर की बात की गई थी, तो कैशियो जो है वो एक टाइप का कैलकुलेटर है, ये ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर काफी इजी पूछा गया था, लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। टाइप ऑफ अ प्रिंटर, नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर की बात की गई थी, तो रबड़ भी जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 95 में देखिए फुल फॉर्म से ही तीन चार क्वेश्चन पूछ लिए गए, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, फायरवॉल से, एंटीवायरस से, पासवर्ड लगा सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपन्ड इन कंप्यूटर इज टेंपरेरी स्टोर्ड इन, कहां पे उसको स्टोर किया जाता है, तो रैम में स्टोर करते हैं हम उसको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 98 का सेट ऑफ वायरस विच कैरी इंफॉर्मेशन इन अ कंट्रोल मैनर, तो इसका राइट आंसर 98 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस। माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक किसके एग्जांपल हैं, तो ये काम करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के, जैसे अगर आपको माउस का एक आइकन देखना हो तो इस तरीके से दिखता है एक एरो, कर्सर जो होता है तो पॉइंट करते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जीयूआई की देखिए फुल फॉर्म पूछी गई थी, चार क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म के ही पूछ लिए गए हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो ये हमने हाईकोर्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही रहे, सिर्फ एक ही बात हाईकोर्ट की यहाँ पे थोड़ी सी गलत लगी कि अगर पेपर बायलिंगुअल कंडक्ट करवा देते तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि 2019 से उसके बाद का जो एग्जाम ये अभी हुआ है तो उसमें कोई भी चेंज वो नहीं लेके आए, और ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए डाले गए थे, इसीलिए हमारे जो करंट अफेयर की जनवरी मंथ की वीडियो है उसमें से दो तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे गए थे। आई होप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो, जल्दी ही मैं इसकी जो डिस्क्रिप्टेड वीडियो है विद डिटेल के साथ विद सॉल्यूशन के साथ वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।